सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सीजीएल को टारगेट करके तैयारी करो। आज का समय ऐसा है कि जो बच्चा केवल सीएचएसएल को टारगेट करके तैयारी करता है ना, उसका कभी सीएचएसएल निकलता ही नहीं। आप बड़ी चीज को टारगेट करोगे तब जाके कोई छोटी मोटी चीज हाथ लगेगी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट, आप बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सीजीएल का जो सिलेबस है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, उसको टारगेट करके तैयारी करो। इससे आप जितने भी छोटे छोटे एग्जाम है सबका सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और आप अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। सिलेबस सभी एग्जाम का लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे होता है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको दबाकर प्रैक्टिस करने, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल के सवाल लगाइए, सीएचएसएल के सवाल लगाइए, सीपीओ के सवाल लगाइए, एमटीएस के सवाल लगाइए, आप फेज 9 के सवाल लगाइए, हर किसी एग्जाम के क्वेश्चंस को दबा के सॉल्व करिए। लेकिन आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, कृपया करके सीजीएल को टारगेट करके मेरे दोस्तों तैयारी करिए, जिससे कि बाकी जो छोटे छोटे एग्जाम है ये अपने आप कवर हो जाएंगे, मतलब आप एक नौकरी पक्का ले लोगे। ठीक है दोस्तों, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए सिलेबस पूरा होने में 8 से 9 महीने का समय लगेगा, कम से कम, इससे कम में सिलेबस पूरा नहीं होता। आप ऐसे मत सोचिए कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी और मैं छड़ी घुमाऊंगा आपका सिलेबस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नहीं, बड़ा लंबा सिलेबस है। देखिए अगर आप 2011-12-13 में तैयारी करते ना तो इतना सा सिलेबस था। क्या होता था कि कम सेट बनते थे, ऑफलाइन पेपर होता था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 50 सवाल आए, वैसे ही सवाल अगले साल आ रहे, वैसे ही अगले साल आ रहे। लेकिन अब क्या है, अब ऑनलाइन पेपर होता है, एक ही एग्जाम की 25-25 शिफ्ट बनती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सेट होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि सवालों का दायरा बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ रही है। सिलेबस तो वही है लेकिन सवालों का जो टाइप है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो कैलकुलेशन, वो पढ़ती जा रही है। मतलब आपको एक टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पहले प्रॉफिट लॉस के अगर 20 टाइप थे तो आज प्रॉफिट लॉस के आपको 100 टाइप पढ़ने पड़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन ज्यादा बढ़ गया है पिछले 7-8 सालों में। ठीक है भाई, तो अभी मैं नंबर सिस्टम से शुरुआत करूंगा। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, शर्ट्स इंडिसेस, घातांक एवं कर्णी और सिंप्लीफिकेशन। 2 महीने लगभग इसमें लगेगा आपको समाप्त होने में। थोड़ा पेशेंस रख के, धीरज रख के पढ़िएगा। देखिए अभी आप एक नए हैं बिल्कुल, है ना, अभी एक छिले हुए जो है अंडे की तरह बिल्कुल ताजे ताजे, आपको कुछ नहीं पता, बौखलाए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। पहले आप अपने अंदर शांति लाइए, जो है पेशेंस लाइए। गवर्नमेंट जॉब लेने के 2 ही तरीके हैं, उसी टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी में टैलेंट कुछ नहीं होता, बहुत बतरे टैलेंटेड आदमी सड़कों पर बिखरे पड़े, कोई नौकरी पोकरी नहीं लग रही उनकी। सरकारी नौकरी आपको लेनी है तो 2 चीज आपको चाहिए। पहला, आपके अंदर पेशेंस, धीरज होना चाहिए। आप ऐसा मत समझो कि 6 महीने पढ़ूंगा, 1 महीने पेपर होगा, अगले महीने नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सालों साल की लड़ाई है, 2-3 साल से कम में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगती है। ठीक है दोस्त, ये पहला। दूसरा कि आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करने, सही दिशा में तैयारी करने, सही दिशा में उतना ही पढ़ो और वो ही पढ़ो जिससे नौकरी लगे, बात खत्म। ज्ञान के लिए आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये कोई ज्ञान नहीं, ये कूड़ा, इसका जीवन में कोई लेना देना नहीं। असली ज्ञान की चीजें आप कोई धार्मिक किताब पढ़िए, आप शेयर मार्केट पढ़िए, आप स्टोरीज पढ़िए महान लोगों की, वो असली ज्ञान होता है। ये बस इतना पढ़ो और इतना ही समझो जिससे कि नौकरी लगे और इसको साइड करो। अबे कुछ बच्चे बहुत ही वो हो जाते हैं, है ना, इमोशनल हो जाते हैं, सर बेसिक से बताओ, सर एक्स मान के बताओ, सर ऑप्शन से मत बताओ, ये मत बताओ। किसी सवाल को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो आप सीख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पेशेंस और राइट डायरेक्शन में काम करोगे ना, आपको थोड़ा सा अपना तरीका बदलना होगा पढ़ने का। जैसा बोर्ड एग्जाम में पढ़ते थे वैसे नहीं पढ़ना है। सरकारी नौकरी का जो तरीका है वो एक अलग है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको बेस्ट अप्रोच सीखनी है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक ढंग से पढ़ोगे तो आप 98% से भी ज्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। प्रीवियस ईयर के 1-2 सवाल तो हमेशा दिक्कत करते, हमको भी दिक्कत कर जाते हैं कभी कभी। ठीक है दोस्तों, सभी को मेरी बात समझ में आई?
सर जी यूपी पुलिस का जल्दी पेपर होगा, सिलेबस जल्दी। भैया ऐसे मत करो, ऐसे हवा धवाड़ मत बचाओ किसी चीज की, पेशेंस से, शांति से, धीरे से करने दो। 5 सालों के सवालों की प्रैक्टिस कहां से करें? देखिए बहुत सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक आती है मार्केट में, हमारी भी एक बुक है जिसमें एसएससी सीजीएल के चैप्टर वाइज पिछले 10 सालों के मेंस के सवाल है, इनको सॉल्व करो आप। 2600 सवाल है। अगर आपके पास आप बुक नहीं ले सकते कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, उससे बेहतरीन और सीक्वेंस वे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप, वहां पे जाओ, उसको ज्वाइन करो। वहां पे मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स की, अलग अलग एग्जाम की चैप्टर वाइज पीडीएफ कंपाइल करके डलवा रखी है हिंदी और इंग्लिश में, उनको डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो। समझ में आया? कोई तकलीफ? हाँ जी, ये बैच कैट के लिए भी काम करेगा, बैच चपरासी से लेकर यूपीएससी तक हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में काम करेगा। आपकी सोचने की क्षमता बहुत डेवलप हो जाएगी, लेकिन आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको पेशेंस रखना है, दूसरा आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करनी है। बहुत जल्दी 2 क्लास भी शुरू होंगी, ये बैच प्री प्लस मेंस लेवल का, ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल प्री के आसान आसान सवाल करा दूंगा, मेंस नहीं, प्री मेंस, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सब कुछ इसी बैच में होगा, शुरू से लेकर आखिर तक एक संपूर्ण बैच है। इसमें मैं केवल आपको कंसेप्ट नहीं सिखाने जा रहा, कंसेप्ट सिखाऊं तो 2 महीने में सिलेबस निबट जाएगा, लेकिन क्या फायदा, नौकरी लगेगा ही नहीं उससे। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सब कुछ होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितनी भी वैरायटी के सवाल आ चुके हैं वो सब के सब मैं आपको यहां पे कराऊंगा, आप खुद से उतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी मैं आपको क्लासरूम के अंदर करवाऊंगा। एससी के भी अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, जिससे गवर्नमेंट हर साल नहीं भर रही है उतना, थोड़े थोड़े लोग ले लेते हैं, लेकिन एडिशनल 70,000 वैकेंसी ऐसी हैं जिनको अब भरने का समय आ चुका है। मोदी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उनको भरिए, तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट है जो अगले कुछ महीने में हो रहा है। आपकी रेगुलर वैकेंसी जितनी आती है वो तो है ही, एक्स्ट्रा वैकेंसी अब ये ऐड होके आएंगी। मतलब किसी एग्जाम में सपोज हम सीजीएल की बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज अब 8,000 से 9,000 वैकेंसी आ रही, लेकिन अब मेरे प्यारे भाई हो सकता है कि इस साल आपको 15,000 से 20,000 वैकेंसी देखने को मिले, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इससे आपको बहुत फायदा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा क्लियर करेंगे, थोड़ा कंपटीशन कम होगा और आपकी जो है हिट लिस्ट में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है भाई, जीडी में सोनिया राइफलमैन वगैरह होते हैं जो सरकारी जो होते हैं हवलदार वगैरह, ठीक है। तो आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू जो है आपका एमटीएस हो गया।